What the cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. वेपिंग ये तो एक बहुत ही कमाल की चीज है, आम सिगरेट्स की तरह नहीं। इसके कई फायदे भी होते हैं, जैसे आपको अस्थमा हो सकता है जिससे आपके एयरवेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आपको एम्फिसीमा नाम की बीमारी हो सकती है जिससे आप लंबी सांस नहीं ले पाएंगे, है ना फायदे की चीज। नहीं तो फिर जेन ज़ी इतना वेप क्यों करते हैं? नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेप के एडिक्शन की। जैसा कि निर्मला जी ने बताया कि इन वेप्स को 2019 में बैन कर दिया था, तो फिर ये बच्चे आज तक वेप कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले तो इन वेप्स को एंड बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरिंग सिस्टम। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक थिंक चेंज फोरम, जो कि एक नेशनल स्टडी इनिशिएटिव लिया गया था न्यू दिल्ली के स्कूल्स में, इन स्कूल्स में सर्वे के अकॉर्डिंग ये पूछा गया इन बच्चों से कि ऐसा इसमें क्या होता है कि इन बच्चों को इस वेप से इतना एडिक्शन होता है। इस इनिशिएटिव को उन्होंने एडिक्शन फ्री इंडिया का नाम दिया। इस सर्वे के चलते 89% बच्चे, जो कि 14 से 17 साल की उम्र के होंगे, यानी 9th या 10th में पढ़ने वाले बच्चे, उन्हें मालूम ही नहीं है कि इन वेप से कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। ये सर्वे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, मुंबई, पुणे और बैंगलोर के स्कूल से लिया गया था। इन बच्चों में से 96% बच्चों को ये भी नहीं पता कि ये वेपिंग इंडिया में बैंड है। सुशांत कालरा, डायरेक्टर ऑफ परवरिश इंस्टीट्यूट ऑफ पेरेंटिंग का ये कहना है कि 14 से 17 साल की उम्र के बच्चों में ही वेपिंग के ये ज्यादा केसेस पाए जाते हैं। इन बच्चों को ये वेपिंग सिगरेट से सेफ और कूल ऑप्शन नजर आता है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को इस वेप का इतना एडिक्शन हो जाता है कि इन्हें रिहैब में भेजा जाता है। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, इन बच्चों में एडिक्शन के केसेस ज्यादातर वेल टू डू फैमिलीज से आते हैं जिनकी उम्र 13 साल तक की होती है। ये डेटा सुनकर मुझे तो बहुत बड़ा शौक लगा, लेकिन उससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब मैंने इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज सुना, जो कि था लगभग $22 बिलियन का। लेकिन क्या ये वेपिंग सिगरेट से सेफ ऑप्शन है? नहीं, एडिक्शन किसी भी चीज का हो, होता गलत ही है। जब इन सिगरेट इंडस्ट्री के मालिकों को ये पता लग गया कि अब शायद सिगरेट बंद होने वाली है, क्योंकि लोग जगह जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने क्विट भी कर दिया, तो फिर इनका बिजनेस कैसे चलेगा? बस इसी बिजनेस को चलाने के लिए लाया गया वेपिंग का कॉन्सेप्ट। इन बिजनेसमैन को ये पता लग चुका था कि टोबैको इंडस्ट्री को एक बार फिर से चलाने के लिए किसी नए ट्रेंड की जरूरत है। बस इसी सब के चलते उन्होंने पूरी एक जनरेशन को ही टारगेट किया, और ये जनरेशन थी टीनेजर्स की। इन टीनेजर्स को ये कूल, अट्रैक्टिव और ट्रेंडी डिजाइन के वेप्स पसंद आने लगे, और देखते ही देखते ये कब एक ट्रेंड बन गया पता भी नहीं चला। हालांकि ये वेप्स 47 कंट्रीज में बैंड है, फिर भी इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज $28 बिलियन का है। सिगरेट के पैकेट पर कम से कम वार्निंग तो आती है, इन वेप्स के पैकेट पर किसी भी तरह की कोई भी वार्निंग नहीं आती। अगर हम हमारे सवाल की बात करें कि क्या ये वेप सिगरेट से सेफ ऑप्शन है, तो अकॉर्डिंग टू WHO एक निकोटिन का वेप लगभग 50 सिगरेट के बराबर होता है, तो फिर कहां से हुआ ये सेफ ऑप्शन? और ताज्जुब की बात तो ये है कि इस सब की शुरुआत भी चाइना से ही हुई थी। चाइना के एक फार्मासिस्ट ने सिगरेट को बदलने के चक्कर में वेप का इंट्रोडक्शन किया, जिसने सीधा सीधा सारे टीनेजर्स को टारगेट किया। चाइना की एल्फ बार कंपनी इस समय वेप्स के मामले में सबसे ज्यादा सेल कर रही है, और इस चाइना के कंपटीशन में US की कंपनीज भी उतर रही हैं। इसी में एक कंपनी है जूल, जिसका एक वेप का पॉड यानी एक कश 20 सिगरेट के बराबर होता है ना खतरनाक। लेकिन ये सिगरेट्स या फिर ये ई सिगरेट्स काम कैसे करती हैं? ये ई सिगरेट्स एरोसोल को प्रोड्यूस करती हैं, जो कि एक लिक्विड और कई सारे केमिकल्स, निकोटिन और फ्लेवरिंग्स को मिलाकर बनाया जाता है। दरअसल जैसे ही आप इन वेप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट निकोटिन आपके लंग्स से सीधा आपके दिमाग पर असर करता है, जो कि डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। इस निकोटिन का डायरेक्ट कंजप्शन आपके दिमाग पर सिगरेट से ज्यादा असर करता है, यानी जो काम 40 सिगरेट करती है वो एक वेप तुरंत कर देता है। यानी आप सोच के देखिए कि आज की जनरेशन किस चीज से इतना एडिक्टिव हो रहे हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये निकोटिन हमारी मेंटल हेल्थ पर कैसे असर करता है। हम सभी ये तो जानते हैं कि एक इंसान का दिमाग 25 साल की उम्र तक डेवलप होता है। 25 छोड़िए, 17 साल के बच्चे जब इस निकोटिन का डायरेक्ट कंजम्पशन करेंगे, तो उनका दिमाग कैसे डेवलप होगा?
निकोटिन एडोलेसेंस में दिमाग के कई हिस्सों को हार्म करता है, जिससे दिमाग के अटेंशन, लर्निंग, मूड्स, इंपल्स, ये सारी चीजें अफेक्ट होती हैं। इतना ही नहीं, यदि कोई निकोटिन छोड़ने की कोशिश करता है तो उनकी बॉडी और दिमाग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती हैं, जिससे निकोटिन के विड्रॉवल सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। निकोटिन विड्रॉवल के सिम्टम्स जैसे इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, फीलिंग एंशियस या फिर डिप्रेस्ड, ट्रबल इन स्लीपिंग, प्रॉब्लम इन कॉन्सेंट्रेटिंग और क्रेविंग निकोटिन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसके डायरेक्ट कंजम्पशन से आपका दिमाग पैरालाइज तक हो सकता है। जब आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि आपके आसपास में कोई वेप से एडिक्टिव है तो उसे डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट से तुरंत वाकिफ करवाइए। और यदि आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।